ये जो कैरियर बीट्स होती है वो तो एक कह लो कि जब कोई बंदा टेरियर का नाम लेता है तो एक अलग तरह की छवि आपके दिमाग में बनती है। ये टेरियर ब्रीड में कैसे आ गया? सर मैं बता दूं, सर बेसिकली जब है कई बार आपके वीडियो वगैरह देखते हैं तो काफी यानी बढ़िया लगता है, हेल्प होती है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा बड़ा है। और ये जैसे कि ये डबल कोट या ट्रिपल कोट है, ये सिंगल कोट होगा। अच्छा जी, सिंगल कोट है, सिंपल एक और सिल्की कोट मिलेगा आपको, सिंगल कोट मिलेगा। भोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। ये देखिए मिलिए डॉन से। डॉन गुड बॉय। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर थोड़ा बताइए, आज आपके पीछे वो दो ब्यूटीफुल कौन सी ब्रीड है? ये 8 मंथ ओल्ड सिट्जू है, फीमेल। ओके। और ये 12 मंथ ओल्ड यॉर्कशायर टेरियर। यॉर्कशायर, इसको थोड़ा आगे कीजिए सर, क्योंकि सिट्जू के बारे में हम पहले भी आपसे बात कर चुके हैं। जी जी जी। ये यॉर्कशायर टेरियर के बारे में थोड़ा बताइए। सर ये यॉर्कशायर टेरियर, सर ये यॉर्कशायर टेरियर जो है ये टेरियर ग्रुप से बिलोंग करता है। सर एक छोटा सा मैं शुरू, सॉरी आपको रोक रहा हूँ, ये जो टेरियर ब्रीड्स होती है वो तो एक कह लो कि जब कोई बंदा टेरियर का नाम लेता है तो एक अलग तरह की छवि आपके दिमाग में बनती है। जी। ये टेरियर ब्रीड में कैसे आ गया? सर मैं बता दूं, सर बेसिकली जब ये ब्रीड किया गया था, बेसिकली ये छोटे जो मैमल्स होते हैं, चूहे वगैरह होते हैं, रैट्स वगैरह होते हैं, अच्छा, उनको हिट करने के लिए, किसानों जब फार्मर्स जब अपने करते थे उनको पकड़ने, उनको जब अपना गोदाम में वो रखते थे तो उनको बचाने के लिए कि वो काटे ना उनको, तो ये पकड़ के और उसके लिए। तो अच्छा, तो ये बहादुरी है, ये बहुत बहादुर हो गया। और ये जैसे कि ये डबल कोट या ट्रिपल कोट है, ये सिंगल कोट होगा। अच्छा जी, सिंगल सिंगल कोट है, सिंपल एक और सिल्की कोट मिलेगा आपको, बिल्कुल सिंगल कोट मिलेगा आपको। ये ब्रीड बहुत कम है इंडिया में, बहुत अभी बहुत कम है, अभी बहुत कम है। थोड़ा बताइए इस ब्रीड के और थोड़ा बिहेवियर। सर बिहेवियर इसका बड़ा फ्रेंडली है, लेकिन अगर अपने जो मैंने आपको बताया शिकार के जब मूड में होती है तो पूरा अलर्ट, पूरा गार्ड का हिसाब, अगर घर पे रखते हो तो पूरा अलर्ट रहता है। ये नहीं कि भी आप एकदम ले डाउन या कुछ ऐसे, 24 घंटे एक्टिव, मतलब आपने बुलाया नहीं, बाहर डोर बेल भेजी नहीं और ये हाजिर, डोर पे हाजिर, हाँ जी कौन है, तो उस तरह से ये, ऐसा मत सोचिए। थोड़ा सा कह सकते हो कि लाइक ए पमेरियन टाइप, पमेरियन नहीं, बिल्कुल अलर्ट, ऐसा नहीं कि ये मतलब टॉय में नहीं आता, ये तभी ये टॉय में नहीं आता कि भी वो आपने गोदी में रख के पैम्पर कर लिया, नहीं, नहीं मैं रेडी हूँ कुछ भी करने के लिए, उस तरह से। थोड़ा सा ब्रीड का प्राइस के बारे में, स्टार्टिंग और एंडिंग। सर देखिए, अब स्टार्टिंग से डिपेंड ऑन क्वालिटी है और पेडिग्री पे है, तो स्टार्टिंग अराउंड 40-45,000 शुरू होता है, अभी शुरू होता है। सो सिंपल है गाइस, जिनके घर में चूहे परेशान कर रहे हैं ना, तो ये आपको उसका हमने अलाई दे दिया, रामबाण अलाई दे दिया। और थोड़ा बताइए इसको रख रखाव में कितना? रख रखाव सर बहुत इजी है, ये 2.5 किलो का डॉग, 2.5 से 3 kg का डॉग होता है। अच्छा जी। 9 से 10 इंच का सर मेल होता है, 8 से 9 इंच की फीमेल होती है, और इजी टू कीप है, कोई ज्यादा वो नहीं है कि भी बल जल्दी से बीमार हो जाए, नहीं, बड़ा इजी है, हार्ड ब्रीड है, मतलब कोई ऐसा। इसका जो मैं बाल जितने लंबे देख रहा हूँ उस हिसाब से फिर केयर बहुत करनी पड़ेगी। सर बिल्कुल, अगर आपने मेंटेन करना है कोट तो आपको बाल केयर करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आपने ग्रूम करना है कट दे सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है। ओके। और पीछे अभी थोड़ा सिट्जू के बारे में, आइए सर सिट्जू के बारे में बात करते हैं। सर ये 8 मंथ ओल्ड फीमेल पपी है सिट्जू, और जैसे कि हम लास्ट टाइम भी मिले थे, बात हुई थी हमारी, बिल्कुल। सो ये 8 मंथ की है हमारी, अभी पहला शो है इसका, सो अब इसको डॉग शो में लेके आए हैं। ये इसके जो मुस्टैश में बांधा हुआ है, ये सर इसलिए बांधा हुआ है कि अभी इसने रिंग क्लियर करना है अभी, तो ये पानी गीले होने के बाद ये गीले ना हो जाए तो तब तक बच के रहे। गाइज इन्होंने ना लास्ट टाइम एक टोटका दिया आपको, बताया था कि सिर्फ आंखों में बाल जाने के कारण ही नहीं ये डीप ब्रीड के आंखों की प्रॉब्लम होती है, और भी बहुत सारे कारण है, इन्होंने हमें वो चीज बताई थी। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस वन सर। थोड़ा इस ब्रीड के बारे में बताइए। बिल्कुल सर, सर आपको मैंने जैसे कि बताया चाइनीज ब्रीड है सर, ठीक है, और घर पे रखने के लिए टॉय ब्रीड है, बच्चों के साथ बड़ी अच्छी है, गार्ड भी है, लेकिन फैमिली के साथ बहुत जल्दी अपना घुल मिल जाता है, बड़ा ही अच्छा है और इजी टू कीप है वही। और लोग कहते हैं कि बाल शेड होते हैं, बिल्कुल बाल शेड नहीं होते, आप एक प्रॉपर अच्छी डाइट दीजिए, हेल्दी डाइट दीजिए, टाइम पे डिवॉर्मिंग कीजिए, जो डॉग फूड से रिलेटेड चीजें वही दीजिए, ह्यूमंस की बनी हुई चीजें, कई लोग पैम्पर के होने के चक्कर में टॉफीज और ये मत दीजिए, बैलेंस डाइट दीजिए, कभी भी ये डॉग कभी बाल शेड नहीं करेगा।
आपका फार्म का नाम या कैनल? मेरे कैनल का नाम है जी सोडी कैस्केट, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। आपके पास स्टड सर्विस और स्टड सर्विस? जी बिल्कुल जी बिल्कुल, स्टड सर्विस है मेरे पास, सुजुकी है, यॉर्कशायर टेरियर है, मैं अपना किंग चार्ल्स स्पैनियल भी ब्रीड करता हूँ, अभी नया मेरा पेयर आया है चाइना से, नेक्स्ट टाइम अगर मिलेगा तो पक्का दिखाएंगे आपको। कॉन्टेक्ट नंबर सिंह? मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 9971619837 दिल्ली। गाइस यहाँ पर लगता है हमें बहुत बड़ी फैमिली है, तो ये और नए सब्सक्राइबर, क्या नाम है सर आपका? अपूर्व गुप्ता। अपूर्व गुप्ता सर कहाँ से? अपन जयपुर से सर। जयपुर से लोकल। कोई डॉग रखा हुआ है? हाँ लैब्राडोर है, कई बार आपके वीडियो वगैरह देखते हैं तो काफी यानी बढ़िया लगता है, हेल्प होती है। बस यही मेरा प्राइस है कि आप मेरी वीडियो बनाने से आपको वो रख रखाव में टेक केयर में बिल्कुल बिल्कुल। और आप बहुत ही ब्यूटीफुल शहर है आपका सर, एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पीपल है यहाँ। सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल तो आप हो जो हमारे शहर में पधारे हो। नहीं सर ये डॉग शो में मिस नहीं करना चाहता था, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, लास्ट कई ईयरों से था कि भाई आप आ नहीं रहे थे शो वगैरह में, आपका प्रेजेंस ही नहीं हो पा रहा, कुछ कंपनी का काम था उस समय। अभी सब चीजें फ्लेक्स आउट हो रही है तो मेरे पास अभी समय होता है। थैंक यू वेरी मच।